बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम कर रहे थे 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/(x-6) माइनस 4/(x-5) इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख के यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। ये हमने क्वेश्चन दोबारा लिख ली। अब इस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि मदरजा ज़ेल मसावातों को दो दर्जे फार्मूला की मदद से हल करें। तो अज़ीज़ तलबा, हमें पता है किसी भी इक्वेशन को दो दर्जे फार्मूला से हल करने से पहले उसे हमने मयारी फार्म में, स्टैंडर्ड फार्म में लेके आना होता है। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या हो रहा है। दो बटे वाली रकमें हैं दरमियान में, प्लस माइनस हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे। तो x-6 और x-5 का एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये इसका एलसीएम आ गया। अब x-6 से कट जाएगा, बाकी क्या बचा हमारे पास, x-5 ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्या बन जाएगा, 3 × x-5, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगी। अब ये x-5 इससे कट जाएगा, x-5 से बाकी क्या बचा हमारे पास, x-6, इसको जब ऊपर किया मल्टीप्लाई 4 से, क्या बन गया, 4 × x-6 बन गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये चीज़ बटे में हो रही डिवाइड इधर या को जाएगी मल्टीप्लाई, इसे उठा के इधर ले आएंगे, ये ऊपर वाली वैसे लिख लेंगे 3 × x-5 − 4 × x-6 बराबर, इसने जब 1 से आके हुआ मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगी, यही चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 को भी अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, और इनको भी कर देंगे मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, 3 × 3x जमा नफी नफी 3 × 5 = 15। इसी तरह माइनस का ये 4x माइनस माइनस प्लस 4 × 6 = 24, ये x को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, x की 2 फिर प्लस माइनस माइनस 1 × 5 = 5x। इसी तरह माइनस 6 को भी दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बन गया, माइनस के 6x। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 6 × 5 = 30। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म को ऐड कर लेंगे, ये क्या बन गया, माइनस के 4x में से प्लस का 3x निकाला, बाकी क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1x। बड़ी रकम माइनस की है, छोटी प्लस की है, बड़ी में से छोटी को निकाल दिया तो हमारे पास अलामत आ गई बड़ी रकम की, माइनस x। इसी तरह प्लस का 24 में से माइनस का 15 निकाला, बाकी क्या बचा, प्लस का 9। इसी तरह इस साइड को भी हल कर लेंगे हम, x की 2 वैसे आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 6x का बन जाएगा माइनस का 11x, और जमा का 30 वैसे आ जाएगा। सारी चीज़ों को उठा के साइड भी लेंगे, सारी टर्मों को, क्या बन गया, माइनस का x ऐसे आ गया, जमा करो ऐसे आ गया, इधर ये प्लस की, इधर आगे बन जाएगा माइनस का 2x, इधर माइनस का 11x, इधर आगे बन जाएगा जमा का 11x, इधर जमा का 30, इधर आगे बन जाएगा नफे का 30 बराबर 0। अब हम फिर सेम टर्म में ऐड कर लेंगे, क्या बना, माइनस एक्स की 2 वैसे आ जाएगा अकेला था, ये जमा के 11x में से नफी के 1x निकला, बाकी क्या बचा, जमा का 10x। इसी तरह माइनस के 30 में से जमा का 9 निकाला तो क्या बना, माइनस का 21 बराबर 0 के। अभी शुरू में माइनस से ले लो कॉमन, तो अंदर के सारी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये हमारे पास क्या बना, माइनस कॉमन ली तो अंदर x की 2 माइनस 10x और जमा का 1 बराबर 0 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगी। हमारे पास फाइनल क्वेश्चन क्या बनी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x की 2 नफी 10x जमा 1 बराबर 0। अब हम इसमें से ए बी और सी के निकाल लेंगे कीमतें, ए बराबर किसके, 1 के, बी बराबर माइनस 10 के और सी बराबर 21 के। हमें पता है कि x की 2 के साथ अधिसर्व ए होता है, इसी तरह एक्स के साथ वाला अधिसर्व बी होता है, और ये वाली कॉन्स्टेंट क्या होती है, सी होती है। हमने ए बी सी के निकाल ली कीमतें। अब हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के इस्तेमाल से हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। ये लिखा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स बराबर आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर बटे में 2a। अब हम इस फार्मूले में करेंगे कीमतें पुट, एक्स बराबर आ गया माइनस, अब बी की जगह क्या लगाएंगे, माइनस 10 जमा नफी, बी की जगह क्या लगाएंगे, माइनस 10 इसका स्क्वायर नफी 4, ए की कीमत 1 थी, सी की कीमत थी 21, ठीक है, तो बटे में क्या 2 × a की कीमत क्या आ जाएगी 1। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स बराबर नफी नफी जमा 10 जमा नफी, 10 का स्क्वायर 100 होता है, नफी का स्क्वायर प्लस होता है, इसी तरह माइनस वैसे आ जाएगा 4 × 1 क्या बन जाएगा 84 यानी कि 84 बटे में 2। अब एक्स बराबर हो जाएगा 10 जमा नफी, 100 में से नफी का 84 निकाला, बाकी क्या बचा जमा का 16 × 2, ये क्या बन जाएगा, एक्स बराबर 10 जमा नफी, 16 का जजर क्या होता है 4 × 2। अब हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स बराबर 10 जमा 4 × 2 और एक्स बराबर 10 नफी 4 × 2,
ये क्या बना x बराबर 10 और 4 14 बटे 2, ये बन जाएगा x बराबर 10 में से 4 गया 6 बटे 2, इसको जब हल किया 2 7 14 x बराबर आ गया हमारे पास 7 और ये क्या बन जाएगा x बराबर 2 3 6 x बराबर 3 एंड पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 7 कॉमा 3। अब हम करेंगे इसी सवाल का आठवां पार्ट, उसमें हमारे पास रकम क्या थी x जमा 2 बटे में x नफी 1 नफी 4 नफी x बटे में 2x बराबर 2 से 1 बटे 3। हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के रकम यही दोबारा लिख लेंगे। अब इसमें भी देखें हमारे पास दो बटे वाले रकम यानी कि फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में क्या है माइनस है, हम इनका लेंगे एलसीएम और इसकी सइयां तोड़ लेंगे। ये देखें सइयां तोड़ के क्या बना 3 2 6 और 1 7 बटे 3, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, जो जवाब है उसमें ये वाला ऐड करना 3 2 6 और 1 7 बटे 3 और इसका लेंगे एलसीएम। एक्स नफी 1 और 2x का एलसीएम क्या बन गया 2x इंटू एक्स नफी 1। अब ये x नफी 1 से कट जाएगा क्या बना 2x, 2x को ऊपर करने के मल्टीप्लाई क्या बना 2x जरबे x जमा 2, आगे नफी लगा देंगे ये 2x 2x से कट गया क्या बना x नफी 1 बचा, x नफी 1 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई ये चीज़ आ जाएगी उससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा x नफी 1 जरबे 4 नफी x। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे इनको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया क्या बना 2 1 2 एक्स 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 के 2, इसी तरह 2 2 जमा कर 4 एक्स, ये पीछे नफी है तो हम ब्रैकेट लगा के इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा ली इसको पहले इन दोनों से किया मल्टीप्लाई फिर इसको भी हमने इन दोनों से किया मल्टीप्लाई क्या बना एक्स 4 4 एक्स, इसी तरह जमा नफी नफी एक्स 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 की 2, अब ये माइनस 1 को इन दोनों के साथ क्या बना माइनस 1 जरबे 4 माइनस का 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस एक एक्स एक्स, इसी तरह इसको हमने कर लिया मल्टीप्लाई, बटे में भी क्या किया मल्टीप्लाई कर लिए 2 1 2 एक्स की 2, इसी तरह जमा नफी नफी 2 1 2 एक्स बराबर क्या बन गया ये वैसे ही आगे 7 बटे 3। अब हम इधर से सेम टर्म को ऐड कर लेंगे, ये वैसे लिख दिया 2 एक्स की 2 जमा 4 एक्स, ये पीछे नफी लगा दी और इसको तरतीब भी दे लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स की 2, ये जमा का 4x और जमा के 1x क्या बन गया जमा का 5x, इसी तरह माइनस के 4 आ गया ब्रैकेट फिर बंद कर दी और बटे वाली रकम वैसी आ जाएगी बराबर 7 बटे 3 फिर वैसी आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पीछे माइनस तो सारी अलामतें चेंज हो जाएंगे, ये क्या बना 2x की 2 जमा 4x, ये नफी नफी जमा x की 2, ये जमा का 5x तो बन गया नफी का 5x, ये नफी का 4 था बन जाएगा जमा का 4 बटे में ये रकम फिर वैसी आ जाएगी बराबर 7 बटे 3 भी वैसी आ जाएगा। अब हम फिर सेम टर्मों को ऐड कर लेंगे, जी 2x की 2 और 1x की 2 क्या बन गया 3x की 2 जमा का, इसी तरह माइनस के 5x में से जमा का 4x निकाला तो हमारे पास बचा माइनस का 1x और ये जमा का 4 अकेला था ये वैसे ही आ गया, बटे वाले टर्म भी हमने वैसे ही लिख ली बराबर 7 बटे 3 भी वैसे ही आ गया। अब ये दो बटे वाले रकमें हैं दरमियान में क्या है मसावी, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने इसको इसके साथ और इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, क्या लिखा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई ये 3 इंटू 3 एक्स की 2 नफी एक्स जमा 4 बराबर, इसी तरह 7 को इससे कर दिया मल्टीप्लाई क्या बना 7 इंटू 2 एक्स की 2 नफी 2 एक्स ब्रैकेट बंद। अब हम इनको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई 3 3 9 एक्स की 2, इसी तरह जमा नफी नफी 3 एक 3 एक्स, इसी तरह जमा 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 3 4 12 बराबर 7 2 14 एक्स की 2 जमा नफी नफी 7 2 14 एक्स। अब इन सारी चीज़ों को उठा के लेंगे इस साइड पे क्या बना 9x की 2 नफी 3x वैसे जमा का 12 वैसे, इधर जमा का था 14x की 2 यहाँ के बन गया नफी का 14x की 2, इसी तरह नफी के 14x यहाँ के बन गए जमा के 14x बराबर 0। अब हम फिर क्या करेंगे सेम टर्म को कर लेंगे ऐड, तो हमने सेम टर्म को जब ऐड किया क्या बना हमारे पास चौदह माइनस का एक्स की 2 था और जमा का था 9x की 2, नफी की 14x की 2 में से जमा का 9x 2 निकाला क्या बचा हमारे पास माइनस का 5x की 2, इसी तरह अब हमारे पास है जमा का 14x इसमें से हमने निकाला माइनस का 3x क्या बना हमारे पास जमा का 11x और ये जमा का 12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा बराबर आ जाएगा 0 के। अब हम इसमें से शुरू में से माइनस लेने के कामन, अगर ना भी ले कामन फिर भी हम ए बी सी की गेंद निकाल लें काम चल जाएगा, लेकिन हम माइनस कामन ले लेते हैं क्या बना हमारे पास माइनस कामन ले अंदर की सारी अलामतें चेंज होगी 5x की 2 ये जमा का 11x था नफी का 11x ये नफी का 12 बराबर 0 हो गया,
ये माइनस उस साइड भी जाके ख़त्म हो जाएगी, क्या बना हमारे पास 5x की 2 नफ़ी 11x नफ़ी का 12 बराबर 0 के। अब हम ए बी और सी की कीमत निकालेंगे, ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर माइनस का 11, इसी तरह सी बराबर इसमें क्या माइनस के 12 के। ये हमने ए बी सी की कीमतें निकाल ली। अब हम लिखेंगे दो दर्जी फार्मूला, एक्स बराबर क्या था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का जजर बटे में 2a। इसमें हम लगा देंगे कीमतें, एक्स बराबर माइनस बी की क्या कीमत थी हमारे पास नफ़ी का 11। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बच्चे यहाँ ये गलती करते, ये जो अगर बी के साथ या किसी टर्म के साथ माइनस आ जाए तो माइनस लगाते ही नहीं, कहते माइनस पहले आ चुकी है। हालांकि ऐसे नहीं होता, वो आपने फार्मूले की माइनस लगानी, अगर उसके साथ माइनस हो कीमत के साथ, वो आपने लिखनी ब्रैकेट में ये माइनस और आगे क्या लिखा माइनस का 11 ब्रैकेट में जमा नफ़ी। बी की क्या कीमत है माइनस का 11, क्या आ गया माइनस का 11 का स्क्वायर नफ़ी का 4 फार्मूले का। और ए की क्या कीमत है 5 थी, सी की कीमत थी हमारे पास नफ़ी का 12 बटे में 2 इंटू ए की क्या कीमत है 5 थी। अब हम इसको हल करेंगे, एक्स बराबर ये नफ़ी नफ़ी जमा का 11 हो गया, जमा नफ़ी वैसे ही लिखा, ये नफ़ी का स्क्वायर जमा 11 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 121 जमा। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, ये सारे के मल्टीप्लाई 4 × 20 20 12 क्या बन गया 240, ऊपर जजर आ जाएगा बटे में आ जाएगा 10 से। अब फिर एक्स बराबर 11 जमा नफ़ी 121 जमा 240 क्या बन जाएगा 361 का जजर बटे में 10। एक्स बराबर बन गया 11 जमा नफ़ी, 361 का जजर होता है 19, ये आपने कैलकुलेटर से ले लेना है, बटे में क्या आ जाएगा 10 से। अब हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, दरमियान में लगाएंगे लाइन। एक्स बराबर 11 जमा 19 बटे में 10 और एक्स बराबर 11 नफ़ी 19 बटे में 10। इसको पहले हल कर लेंगे, एक्स बराबर 19 और 11 30 बटे में 10, तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा 10 से 10 10 3 30। इसी तरह इसको हल किया, एक्स बराबर माइनस के 19 में से जमा का 11 निकाला, क्या बना माइनस का 8 बटे में 10। एक्स बराबर ये किस पे कटेगा 2 पे, 2 4 8 और 2 5 10 क्या बना माइनस के 4 बटे 5। एंड पे लिखेंगे हल सेट बराबर 3 कॉमा नफी 4 बटे 5।